हेलो एवरीवन सो वी आर डिस्कसिंग द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25 सो हियर द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इफ एनी ऑफ द एल्युमिनियम एटम इन द फॉलोइंग रिएक्शन एक गिवन है बेटा आपको यहां पर AlCl3 एल विल गिव यू आपको बताना है एल्यूमिनियम में चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन उसको एक्सप्लेन करना है अगर हो रहा होगा तो राइट तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है बेटा कि एल्यूमिनियम में हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है या नहीं देखो कैसे करेंगे हमने यहाँ पर पहले लिखी बेटा रिएक्शन रिएक्शन क्या गिवन है आपको ए एल सी एल थ्री प्लस सी एल माइनस विल गिव यू ए एल सी एल फोर माइनस क्या करना है यहां पर हम बनाएंगे इनके स्ट्रक्चर्स एलुमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा थर्टीन तो उसके वैलेंस वेलेंशियल में प्रेजेंट होते हैं थ्री इलेक्ट्रॉन्स तीन इलेक्ट्रॉन्स है और तीन ही क्लोरीन के साथ क्या करना है बॉन्ड बनाना है तो यहां पर क्या होगा बेटा एल्यूमिनियम या आपके पास सीएल एक सीएल यहां पर और एक सीएल यहां पर एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है बेटा इसके वैलेंस वेलेंशियल में तीन इलेक्ट्रॉन्स थे तीन ही इसने बॉन्ड्स बना लिए स्टेरिक नंबर कितना इसके लिए जो स्टेरिक नंबर है बेटा वो है थ्री अब स्टेरिक नंबर क्या होता है ये हम हाइब्रिडाइजेशन मतलब तो नहीं सिग्मा कितने तो कितनी आएगी बेटा इसमें एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन आएगी एसपी टू और जब हाइब्रेडाइजेशन एसपी टू होती है तो आपके पास स्ट्रक्चर कैसा आता है बेटा स्ट्रक्चर आता है या फिर हम कहेंगे जोमिट्री आती है ट्राइगनल प्लेनर क्या हमें बात समझ आई ये था एल सी एल थ्री के लिए अब हम चेक कर लेते हैं बेटा फॉर ए एल सीएल फोर माइनस कैसे बनेगा स्ट्रक्चर देखो ये है बेटा आपके पास एल्यूमिनियम चार बॉन्ड्स बने हैं क्लोरीन के साथ तो यहाँ पर यह है सीएल एक सीएल आएगा यहाँ पर और एक सीएल हम बनाएंगे बेटा ऐसे ये वाला जो बॉन्ड है बेटा ये कहाँ होता है ये होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मतलब जहां से आप देख रहे हैं ये वाला बॉन्ड आपकी तरफ है प्लेन से बाहर एंड ये जो हम ऐसे डैश करके बनाते हैं बॉन्ड ये किस तरफ होता है ये होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मतलब और से सिंगल लाइन से बनाए हैं वो हैं इन द प्लेन राइट उसकी अभी जरूरत नहीं है अभी हम यहाँ पर बस देख रहे हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है क्लियर यहाँ पे एल सी एल फोर माइनस है बेटा तो एल्यूमिनियम के पास होगा माइनस चार्ज क्लियर यहां पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बेटा एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी एस ऐसे कैसे क्योंकि अब ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं बेटा चार बॉन्ड्स और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो यहां पर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बेटा इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्रा हेड्रल क्या हमें बात समझ आई तो आपको बस ये चेंज को ही डिस्क्राइब करना था तो एल्यूमिनियम में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है बेटा sp2 और जो स्ट्रक्चर है वो है ट्राइगोनल प्लेनर जब उसने AlCl4- फोर माइनस बनाया मतलब जब AlCl3 थ्री के साथ रिएक्ट किया Cl- माइनस तो क्या होगा एल्यूमिनियम और क्लोरीन का एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 और उसकी जो शेप है या फिर जो जिमेट्री है मॉलिक्यूल की वो हो जाएगी बेटा टेट्राहेड्रल क्लियर सिंपल क्वेश्चन था मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में तब तक के लिए बाय बाय